हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करेंगे जस्ट एंड टाइम अप्रोच के बारे में। शायद आपने कभी सुना हो, पर मैं आपको बताता हूं, अगर आप इसको अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई कर दोगे तो आपके खर्चे कम हो जाएंगे और आपके प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं जस्ट इन टाइम अप्रोच होती क्या है। जस्ट इन टाइम अप्रोच का मतलब ये हुआ प्रोवाइडिंग द राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर एट अ राइट टाइम एट अ राइट प्लेस। अब तोड़ते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, प्रोवाइडिंग द राइट प्रोडक्ट मतलब जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं वो कस्टमर को वही प्रोडक्ट चाहिए। अगर मेरे कस्टमर को एक मोबाइल फोन चाहिए वो उसी टाइप का होना चाहिए जो उसकी नीड है। तो सबसे पहले मुझे नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपनी टारगेट ऑडियंस की। मैंने नीड वॉन्ट डिमांड के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, चेक कर लेना, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मुझे अपनी नीड डिफाइन करनी पड़ेगी कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और उसके अंदर क्या क्या उसको स्पेसिफिकेशन चाहिए। एट अ राइट टाइम का मतलब क्या हुआ, जब उसको चाहिए तब मैं उसको प्रोवाइड करूंगा। अगर भाई उसको 2018 के अंदर आज के दिन पे चाहिए तो मैं उसको आज के दिन दूंगा। जो गलती करता है नोकिया, ठीक है, वापसी कर रहा है, अच्छी ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, पर वो लेट कर देता है। जैसे आज के टाइम पे सबसे अच्छा प्रोसेसर कौन सा है, 845। तो भाई अगर आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपको सबसे पहले लॉन्च करना चाहिए 845 अगर आप मार्केट के अंदर अपना नाम बनाना चाहते हो। और वो क्या करता है भाई, सबके सब जब 845 लॉन्च कर चुके होते हैं सबके सब मार्केट के अंदर, तब वो लेके आता है। तो कोई वो यूएसपी लेके नहीं आ रहा। मैं भाई, मेरे को नोकिया का फोन चाहिए, मेरे को नोकिया पसंद है, चलो मैं उस पर ब्रांड पर ट्रस्ट करता हूं, पर मुझे उससे बेटर प्रोडक्ट मार्केट के अंदर मिल रहा है, उससे अच्छी स्पेसिफिकेशन का मिल रहा है, मैं क्यों ना लूं, मैं क्यों नोकिया के ऊपर ट्रस्ट करूं। तो यहां आप मार खा जाते हो। एट अ राइट प्लेस का मतलब क्या हुआ, जहां उसको चाहिए वहीं मिलेगा। अगर वो दिल्ली के अंदर डैश जगह पर रहता है तो वहां पर मिलेगा उसको प्रोडक्ट। मतलब आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए मार्केट के अंदर, जहां पर आपका प्रोडक्ट बिकता है, जहां पर आपका कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट लेने के लिए जाता है, वहां पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि चिंग्स की एक सॉस आती है केचप, जो कि मुझे बहुत पसंद थी, पर अवेलेबल ही नहीं होती थी मार्केट के अंदर। वो कहते थे भाई इसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, वो उसको मीटअप नहीं कर पा रहे थे। मीट नहीं करने के चक्कर में क्या होता था, हम ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स लेने लग जाते थे। अब मैं चिंग्स का ट्राई करता हूँ, वही सेम चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, शायद उन्होंने अपनी क्वालिटी को घटा दिया है, शायद ये भी हो सकता है कि मैंने एक ऑल्टरनेटिव डिसाइड कर लिया, मेरा टेस्ट कुछ और बन गया। अब मैं उसकी ऑडियंस था, उसने अपना प्रोडक्ट मुझे अवेलेबल नहीं कराया तो नुकसान उनको ही हुआ ना। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसको अपने बिजनेस के अंदर सोचो कि कैसे मैं इन चीजों को अपने बिजनेस के अंदर सुधार सकता हूं। अब अगली चीज है राइट पीपल, मतलब जो मेरी टारगेट ऑडियंस है मुझे उसको डिफाइन करना पड़ेगा। मेरे कौन सी टारगेट ऑडियंस है जो मेरा प्रोडक्ट लेती है, क्या वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, क्या वो आंटी है, क्या वो एक लड़की है, क्या वो एक अंकल है, क्या फिर या वो छोटा बच्चा है जो 5 साल का है, कोई भी मेरी टारगेट ऑडियंस है तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब मैं उसको आइडेंटिफाई कर लूंगा तब मैं अच्छी तरीके से उसके हिसाब का प्रोडक्ट बना पाऊंगा। जो पहले नीड वाली बात करी थी वही बात लेके चलिए, जब तक मैं अपनी टारगेट ऑडियंस को समझूंगा नहीं तब तक मैं उसकी नीड को नहीं समझ पाऊंगा। तो नीड को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही होती है जस्ट इन टाइम अप्रोच। इसको लेके आया था टोयोटा 1960 के अंदर, ताइची ओनो नाम के बंदे थे, उन्होंने इसको निकाला था। तो भाई टोयोटा के अंदर जब ये चीज आई तब उनकी भाई ग्रोथ होनी शुरू हुई। उसके बाद 10 साल के बाद यूरोपियन और अमेरिकन ने इसको अप्लाई करना शुरू किया। 1990 आते आते पूरी दुनिया को इसके बारे में पता लगा, पर बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं हमारे देश के अंदर जिनको पता नहीं है जस्ट इन टाइम के बारे में। अब सोचो 1960 की चीजें आज के टाइम पे हमको नहीं पता है, और ये चीज हर एक बिजनेस के अंदर अप्लाई हो सकती है और ये हर एक बिजनेस को बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकती है। तो भाई क्या ये एजुकेशन की कमी है या फिर हमारी अवेयरनेस की कमी है, आप मुझे ऊपर पोल के अंदर बताओ। हम पढ़ लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, पर उन चीजों को अपने बिजनेस में अप्लाई ढंग से नहीं कर पाते। अब मान के चलते हैं भाई आपने एमबीए नहीं करी, मैंने एमबीए कर रखी है इसलिए मुझे ज्यादा पता है, पर ये चीजें फ्रीली अवेलेबल थी हमेशा से ही, आप बुक उठा के सीख सकते थे या फिर आप लोगों से भी कर सकते थे। ये जो चीज प्रिंसिपल है ये भगवान ने तो दी नहीं थी, ये बंदे ने इन्वेंट करी थी, मतलब बेसिकली उसने अपनी कॉमन सेंस लगाई थी, अलग अलग प्रोसेस के अंदर कॉमन सेंस मिला के ही तो बनी है सारी की सारी चीजें। तो भाई अब इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। इसके 3 पार्ट्स आते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मतलब मेरे को अपने प्रोडक्शन को इंप्रूव करना है। अगर मैं कोई माल बनाता हूं तो मुझे अपने प्रोडक्शन को कैसे इंप्रूव करना है ये सोचना है। मेरे को अपनी वेस्टेज को कम करना है,
मैं गलत रॉ मटेरियल ना बनाऊं, मान के चलो मैं 100 प्रोडक्ट बनाता हूं उसके अंदर दो खराब निकलते हैं, कैसे मैं दो को एक पे ला सकता हूं या फिर मैं 1000 के अंदर एक ला सकता हूं, वो किस तरीके से हो रहा है, मेरे प्रोसेस के अंदर ऐसी क्या कमी आ रही है जिसकी वजह से वेस्टेज ज्यादा आ रही है, मैं अपने जो रॉ मटेरियल डाल रहा हूं उसको क्या क्या डाल सकता हूं, किस तरीके से प्रोपोर्शन को चेंज करके मैं अपनी क्वालिटी को बढ़ा सकता हूं। जैसी मैं टोफू की फैक्ट्री थी हमारी किसी जमाने के अंदर, मुझे प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो पापा ने उस फैक्ट्री को बंद कर दिया। तो टोफू के अंदर क्या होता है, अगर आप 1 लीटर दूध ले रहे हो और उसको फाड़ते हो तो भाई 1.5 टाइम्स पनीर बन सकता है, मतलब 1 लीटर दूध 1.5 किलो पनीर बनाएगा। तो आप इस चीज को इंप्रूव कर सकते थे ना, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 1 लीटर के अंदर 1 किलो बनाते हैं, कई इससे कम भी बनाते होंगे, पर आपकी जो ऑप्टिमम एफिशिएंसी है वो 1.5 तक की है। हो सकता है कई लोग अच्छी रिसर्च करके इसको 1.5 को 1.8 1.9 तक भी ले जाए, पर जो मैंने पढ़ाई लिखाई करी थी 1.5 तक ही आता था तो हमने 1.5 तक उसको लेके आए। इनडायरेक्टली क्या हुआ, आपकी कॉस्टिंग घट जाएगी यहां पर। तो ये सारी की सारी चीजें जो प्रोडक्शन के अंदर अप्लाई करोगे ना, यहां से इनडायरेक्टली आपका सारा का सारा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने प्रोडक्शन वाले पार्ट को समझो, जो मेरा सप्लायर है वो किस टाइप का है, वो माल सही देता है नहीं देता, सब कुछ। अगला पॉइंट आता है क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं उसकी क्वालिटी कैसी है। मैं प्रोडक्ट बनाता हूं पर जब उसको हम क्वालिटी टेस्ट में लेके जाते हैं वो फ्लॉप हो जाता है। मैंने अभी 1 टन माल बनाया, हमने सप्लाई कर दिया, जब वो वहां पहुंचा तो वहां से रिजेक्ट हो गया क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो ये भी तो मेरे को नुकसान ही हुआ है ना, तो मुझे ये सारी चीजों को इंप्रूव करना पड़ेगा। अब ये कैसे हो सकता है, काइजन प्रिंसिपल के थ्रू। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मैं काइजन प्रिंसिपल होता क्या है। तो काइजन को अगर मैं अपने प्रोसेस के अंदर लगाना शुरू करूंगा तो मैं अपने वेस्टेज को थोड़ा एलिमिनेट कर सकता हूं। तो मुझे क्वालिटी को इंक्रीज करना है। अब सोचो अपनी क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हो, आपका जो भी बिजनेस है सोचो, उसमें समझने की कोशिश करो क्या मैं क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकता हूं, क्या मैं रॉ मटेरियल अच्छा ले सकता हूं। हमारे देश के अंदर लोग क्या सोचते हैं, अब एक प्रोडक्शन, मैं प्रोडक्शन वाला काम करता हूं, हम केमिकल सप्लाई करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि भाई 100 रुपए का आपका प्रोडक्ट है, नहीं सर आप ना मुझे 99 वाला दे दो, आप मुझे 95 वाला दे दो। भाई वो 0.001% डालना है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, आप उसके अंदर भी क्वालिटी के बारे में नहीं सोच रहे, वहां पे भी आप प्राइस के बारे में सोच रहे हो। अगर आप प्राइस के ऊपर सोचोगे तो आप क्वालिटी को मार दोगे, क्वालिटी को मार दोगे इनडायरेक्टली आपका बिजनेस खराब हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। पतंजलि की क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रही है थोड़े टाइम के बाद, मैंने बोला था क्वालिटी अच्छी होती है पर आज के टाइम पे उसकी क्वालिटी देखो घटे जा रही है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताओ अगर आप पतंजलि का टूथपेस्ट यूज करते हो, क्या आपका वो जो ऊपर का कैप वाली जगह है वो टूटती है या फिर नहीं टूटती, क्योंकि लास्ट 5-6 टाइम से जब भी हम उस पेस्ट को ले रहे हैं तो वो ऊपर से टूट रहा है। तो मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, अगर आप में से कोई यूज करता है, ऊपर पोल दे रहा हूं, बताओ मुझे वो टूटता है या नहीं टूटता। अगर टूटता है तो भाई क्वालिटी में डिफेक्ट है। पतंजलि वाले ये वीडियो को देखना, ऊपर पोल को चेक करना, आपको आइडिया मिलेगा कि आपकी ये जो ट्यूब जहां से भी आप बनवा रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है। तो इनडायरेक्टली आपका कंज्यूमर भागेगा ना, वो कहेगा भाई बेकार कंपनी है, माल जो ट्यूब की क्वालिटी अच्छी नहीं कर सकती, अंदर माल की क्वालिटी को कैसे टेस्ट करेगी। तो यहां पे आपको दोनों टाइप की क्वालिटी चेक करनी है, प्री एंड पोस्ट, मतलब जो मैं रॉ मटेरियल डाल रहा हूं उसकी भी क्वालिटी, जो रॉ मटेरियल बन के जो फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है उसकी भी क्वालिटी। अब कभी बार क्या होता है भाई, मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं एक्स, उसके अंदर 90% तो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है पर 10% वेस्ट निकलता है, तो मैं उस वेस्ट को भी कैसे कम कर सकता हूं, उस चीज की भी स्टडी करनी पड़ेगी। इसी के साथ अगला पॉइंट आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये जो मेरे टीम है, जो भी मेरे एम्प्लॉयज है, मुझे उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, मुझे उसको समझाना पड़ेगा मेरा प्रोसेस कैसा है। मैं अगर कोशिश कर सकता हूं तो अपना प्रोसेस ऑटोमेशन के थ्रू लेके जाऊंगा, ताकि इंसानों से ह्यूमन एरर होते हैं मैं उसको एलिमिनेट कर पाऊं। तो जितने कम ह्यूमन एरर्स करूंगा उतने कम मेरे डिफेक्टिव पीस बनेंगे, उतना ही मुझे प्रॉफिट होने लग जाएगा। हाँ मैं इससे मानता हूं कि भाई आपका स्टार्टिंग का जो कैपिटल होगा वो बढ़ जाएगा, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अभी बिजनेस शुरू कर रहे हो अभी से सारे ऑटोमेटिक प्लांट लगा लो। जब आपका बिजनेस बढ़ जाए तो ऑटोमेटिक प्लांट की तरफ भागो, ऑटोमेशन की तरफ भागो, रोबस एटमॉस्फेयर की तरफ भागो। तो इससे क्या होगा, इनडायरेक्टली आपका बिजनेस और ज्यादा प्रॉफिटेबल होने लग जाएगा। जहां आपको प्रोडक्ट 80 रुपए का पड़ रहा है वहां आपको 70 का 60 का, हो सकता है और कम भी, क्योंकि जो वेस्ट का था वो भी तो आपकी एक तरह से लॉस ही है, वो भी तो आपकी कॉस्ट के अंदर ऐड होना था। जैसे आपका वेस्ट कम होने लगा अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट भी कम होनी शुरू हो जाएगी। अब इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बता दूं भाई, अपने जो आप इंप्लॉयज होते हैं ना उसको अच्छे तरीके से देखा करो,
हमारे देश के अंदर क्या होता है, कोई भी इंप्लॉय होता है, तू इंप्लॉय है, तू इंप्लॉय है, तू क्या करेगा। अगर आप इंप्लॉयज की रिस्पेक्ट करोगे, उसको अपनी तरह ही ट्रीट करोगे, आप मान के चलोगे कि भाई अगर मैं किसी कंपनी में नौकरी कर रहा हूं तो वो भी मेरी तरह ही होगा। तो अगर आप इस तरीके से उसको समझने की कोशिश करोगे ना, तो वो अच्छे तरीके से काम करेगा, अच्छी प्रोडक्शन देगा, अच्छी एफिशिएंसी देगा। जहां उसको 8 घंटे काम करना है, हो सकता है वो सोचे यार मेरा बॉस कितना सोचता है मेरे बारे में, आज मेरा ये काम हुआ नहीं तो मैं 9 घंटे काम करूंगा, वो आप पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो ये एटमॉस्फेयर हमारे देश के अंदर हमको क्रिएट करना चाहिए। गूगल के अंदर क्या होता है, मैंने सुना था हर 50-100 मीटर के अंदर ही खाना अवेलेबल होता है। अगर इतना खाना अवेलेबल कर रहे हैं तो भाई हमारे देश के अंदर तो खाने के लिए भी चिंदीगिरी करते हैं कि भाई हमारे इंप्लॉयज को खाना नहीं देना, हमारे इंप्लॉयज हमारे काजू खा गया, हमारी नमकीन खा गया, हमारा वो खा गया, ये भी तो गलत चीज है ना। यहां से अपने इंप्लॉयज के मोरल को चेंज कर रहे हो, उसको खराब कर रहे हो, उसकी वजह से आपके बिजनेस के अंदर खराबी आने वाली है। अगर उसके साथ हार्मनी के अंदर रहोगे, वो कहेगा भाई कितना अच्छा बॉस है वो, भाई जहां उसको 6 बजे छुट्टी होती है वो अगर उसको जरूरत होगी वो 8 बजे तक भी रुकेगा, और वो सोचेगा भी नहीं कि मेरी जिंदगी खराब हो गई, वो अंदर से खुश रहेगा। अंदर से खुश रहेगा तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी तो हाई देगा। अब क्या क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले अपने जो भी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, कुछ भी करना है, कोई भी स्टेप को करना है, तो भाई अपने को पायलट रन के अंदर करके देखना है। पायलट रन का मतलब क्या हुआ, मान के चलो आप इंडिया के अंदर 10 फैक्ट्री है आपकी, तो एक छोटी सी फैक्ट्री बनाओ, 1-2-10 किलो का बैच बनाओ, उसके अंदर टेस्ट करके देखो कि भाई जो आप सोच रहे हो वो चीज एग्जीक्यूट हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही है। ये मत करना जो पूरी पूरी फैक्ट्री है उसी के अंदर ही टेस्ट करके देख रहे हो और बड़ा लॉस हो गया, उसके बाद मेरे पास आ गए कि सर आपने कहा था इस चीज के अंदर ये चेंज कर दो, इस चक्कर में ये हो गया। तो सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा, उस चीज को पायलट रन के अंदर रन करके देखना, छोटे से रूम के अंदर, छोटा सा फैक्ट्री, छोटे सा फ्लास्क लेके उसके अंदर जो भी आपका प्रोसेस होता है उसको स्मॉल स्केल के अंदर लेके जाना। अब मैं केमिकल इंजीनियर हूं तो मैं आसानी से सोच पा रहा हूं, अब मुझे नहीं पता आप सोच पाओगे उस तरीके से नहीं। अगर नहीं समझ पाओगे तो जो भी आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला होगा उसको कहना कि मेरे को इस टाइप का कुछ करना है, आप मुझे बताओ मैं इसको छोटे टेस्ट रन के अंदर कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं। वो आपको सारा प्रोडक्ट कहेगा कि आप ये ले आओ, सब कुछ ला के उसको दे दो, उसके बाद सामने खड़े होकर टेस्ट करके देखो कि फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। यहां पे क्या होगा, अगर आप सामने खड़े होकर उसके दोस्ती यारी में करो, चले यार ट्राई करके देखते हैं हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है ओ भाई हमने कर दिखाया ये शाबाश, वो भी आपके साथ जुड़ा रहेगा, कल को वो भी रिसर्च करके आपके पास कुछ डेटा लेके आएगा, सर हमने इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, इससे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को भी प्रॉफिट होने वाला है ना। अगली चीज क्या है भाई, अगली चीज है अपने प्रोसेस को इजी बनाना। जो भी काम कर रहे हैं हम उसको, कोई भी बंदा आए, नया बंदा भी आए तो भी उसको आराम से कर पाए। अब ये ना हो कि भाई अगर एक इंप्लॉय की जरूरत पड़ गई है, अचानक कोई इंप्लॉय छुट्टी के ऊपर जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, या फिर मुझे और टीम को भी हायर करना है, तो पहले मैं उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहा हूं, देख रहा हूं भाई तू देखता रहा ऐसे होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर मैं सब कुछ इजी रखूंगा ना कि इस नॉब को घुमाओ तो प्रेशर बढ़ गया, इसको घटाओ तो ये हो गया, ऐसे करो तो ऐसा हो गया, 5 मिनट इसको ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है। मैगी का एग्जांपल लेके चलो, क्या है मैगी भाई, इसको तोड़ा, इसको डाला, नमकाला डाला, इसको ढका, उबाला, उबाला, 2 मिनट में मैगी तैयार। तो ये भी तो एक तरह से जस्ट इन टाइम अप्रोच ही है ना, सब कुछ आपके पास रेडीमेड बना दिया, आपने उसको ट्राई करके देखो और आपका काम हो। अब सबसे आखिरी में एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं आपको बताऊंगा नहीं कंपनी का नाम, पर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से होता है। मान के चलिए एक टी शर्ट लेने के लिए जाते हो दुकान के ऊपर, तो आप उनको कहते हो कि मुझे फलाना टी शर्ट चाहिए, आपको अच्छी लगती है, ठीक है ऑर्डर कर देते हो, आपको हाथ के हाथ मिल जाती है। अब कल को जब आप जाते हो उसके पास तो भी उसको प्रोडक्ट हमेशा मिलेगा। अब मान के चलो वहां पे 10 टी शर्ट थी, आप 10 दोस्त को लेके चलेगा, 10 की 10 टी शर्ट आपने उठा ली, या फिर आप 12 को ले गए, आपने 10 उठा ली, वो कहेगा सर अभी अवेलेबल नहीं है, मैं आपको शाम को 5 बजे तक अवेलेबल करा दूंगा, या फिर आप इस फलाने स्टोर के ऊपर चले जाओ यहां पे प्रोडक्ट पड़ा है। कैसे पता है उसको, सॉफ्टवेयर के थ्रू पता है। यहां पे अगर आज के टाइम पे कंप्यूटर की दुनिया बढ़ गई है ना, इसको अगर अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करोगे सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही कोई प्रोडक्ट बिकता है तो आपने जैसे ही पंच किया इसकी सेल हुई है तो इन्वेंट्री से माइनस हो जाता है। इन्वेंट्री का मतलब मान के चलो आपके गोदाम के अंदर इतना पड़ा है, तो उस गोदाम की जो चीज है वो सॉफ्टवेयर के अंदर भरी हुई है, तो जैसे ही आप क्लिक करते हो तो उस गोदाम की चीज से माइनस हो जाता है। अब वो चीज जो है वो ऊपर क्लाउड के अंदर है और वो सारी की सारी चीजें आपस में लिंक हो रखी है। मान के चलो आपके 100 स्टोर है दिल्ली के अंदर, तो 10 सारे के सारे स्टोरों को पता लग रहा है कि इसके अंदर क्या क्या माल पड़ा है और कितना कितना कम हो रहा है। तो जैसे ही माल दिखेगा कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। अब उसमें एक रीऑर्डरिंग पॉइंट सेट कर दिया जाता है, जैसे कि मान के चलो 10 प्रोडक्ट है तो 10 प्रोडक्ट के अंदर मैं 9 प्रोडक्ट जैसे ही मेरे पहुंचेंगे, मतलब 9 प्रोडक्ट मैं भेज दूंगा, 10% जब मेरी इन्वेंट्री रहेगी तो भाई ऑर्डर बैक, वैसे ही मेरे पास ऑर्डर आ जाएगा, मेरे हेड ऑफिस में पहुंच जाएगा और वहां से वहां मेरे पास पहुंच जाएगा, ताकि मेरे पास कभी भी शॉर्टेज ना पड़े। कभी मैकडी के अंदर देखा है आप कुछ लेने के लिए गए, सर बंद खत्म हो गया,
सर फ्रेंच फ्राइज खत्म हो गए, सर ये हो गया, वो सब कुछ कैलकुलेट करके चलते हैं, वो जो कंप्यूटर के अंदर भरते हैं वो अपने आप ऑटोमेशन से वहां जाता रहता है, इनको पता लगता रहता है आज की सेल कितनी है, आज की सेल कितनी है, आज की सेल कितनी है। तो जस्ट इन टाइम अप्रोच का मतलब क्या है समझने की कोशिश करो। जैसे ही कंज्यूमर ऑर्डर करता है हमारे पास प्रोडक्ट रेडी होना चाहिए उसके लिए। यहाँ पे हमको इन्वेंटरी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेरे को एक बहुत बड़ा स्टोर नहीं रखने की जरूरत जहाँ पे मैं 1000 टी शर्टें एक टाइप की रखूंगा, मैं सिर्फ 5 टी शर्टें रखूंगा, बाकी सारी टी शर्टें हो सकता है मेरे प्रोडक्शन के अंदर रहे या फिर कहीं और पर रहे। जैसे ही ये चीज खत्म होने लगेगी तो अपने आप वहां पर ऑर्डर चला जाएगा और वहां से यहाँ आ जाएगा माल ऑटोमेटिक तरीके से। अब टी शर्ट प्रिंटिंग की बात करते हैं, वो क्या करते हैं भाई, रॉ टी शर्ट पड़ी है उनके पास जिसपे कोई प्रिंट नहीं हो रखा, जैसे ही ऑर्डर आता है हाथ के हाथ प्रिंट करके हाथ हाथ डिलीवर कर देते हैं। प्रिंटिंग करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 घंटा मैक्स कह रहा हूं, मैं मैक्स कह रहा हूं, बहुत कुछ अगर बड़े बैच के अंदर भी काम कर रहे हो 1 घंटे के अंदर सारा सूख फूक के सारा काम हो जाता है। तो 1 घंटे के अंदर आप माल को डिलीवर कर सकते हो ना, और आपने बड़ी मशीन लगा रखी है इकट्ठी, आप 10-10, 15-15 टी शर्ट एक एक बारी में कर सकते हो। गोल टाइप की रेम होती है, अगर मुझे कुछ फोटो मिलेगी इंटरनेट के ऊपर मैं डाल दूंगा। मैकडी के ऊपर वापसी से आता हूँ, मैकडी के अंदर अगर क्या किया आपने, बर्गर ऑर्डर किया मान के चलते हैं, तो क्या बर्गर रेडी पड़ा होता है उनके पास? नहीं ना, वो भरते हैं सामने ऑर्डर के ऊपर पंच करते हैं, सामने उनके पास पहुंच जाता है कि भाई यहाँ पे ऑर्डर ये आया है, उनके पास बंद पड़ा है, उनके पास डैश चीज पड़ी है, उन सबको जोड़ के एक प्रोडक्ट बना देते हैं। तो दिस इज जस्ट इन टाइम अप्रोच, आपने छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग पार्ट्स में रखा, उसके बाद आके उसको जोड़ दिया, इसकी वजह से आपकी जो एफिशिएंसी थी वो इंक्रीज होगी, आपका रिस्पांस टाइम घट गया, मतलब बंदे ने अभी ऑर्डर किया आपने अभी के अभी उसको डिलीवर कर दिया। तो ये है जस्ट इन टाइम। अब यहां पे मान के चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एक और कंसेप्ट डाल रहा हूं इसके बीच में, हो सकता है वीडियो लंबी हो गई, मुझे नहीं पता कितने टाइम की हो चुकी है रिकॉर्ड। मान के चलो आपने बर्गर ऑर्डर किया, अब बंद खत्म हो जाते हैं, उनके पास चटनी पड़ी है, टिक्की पड़ी है, सब कुछ पड़ी है, पर क्या वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं? क्या वो आपको बर्गर दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं ना। तो दिस प्रोसेस इज बॉटलनेक, यहां पे एक चीज की वजह से आपका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस को बॉटलनेक कहा जाता है। तो हमको अपना बॉटलनेक भी इंप्रूव करना है जस्ट इन टाइम के अंदर, हमको कोशिश करनी है कि भाई बॉटलनेक नहीं होना चाहिए। अगर बॉटलनेक होगा तो क्या होगा, हम प्रोडक्ट को डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे, हम सोच के बैठे हुए हो जाएगा, मैंने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर पंच कर दिया है, अब जो गाड़ी आ रही थी वो तो भाई लुधियाना में खड़ी है, वहां जाम लगा पड़ा है, इस चक्कर में नहीं पहुंच रहा। तो मुझे सारे पैरामीटर्स को जोड़ के रखना पड़ेगा, जो मैंने बात करी है ना रीऑर्डरिंग टाइम, तो अपने रीऑर्डरिंग टाइम को उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा हमको कि भाई ये सारे का सारा पैरामीटर्स एलिमिनेट हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, कोई दिक्कत है कमेंट में उसे पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना, अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ आजकल, ग्रीन स्क्रीन पे मेहनत कर रहा हूँ, बस यार शेयर कर देना, बाकी और कुछ नहीं मांगता मैं, शेयर मांगता हूँ बस, कमेंट करके बता देना कैसे लगता है। बाय, गुड नाइट, शबर के, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।